जापान की राजधानी गैरसैंण को बनाने को लेकर अब जन जागरण यात्राएं निकलनी आरंभ हो गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज शहीद स्थल से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर अनशनकारी प्रवीण ने कहा कि अब 17 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आम जन जागरण को सचेत करना है और अब हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, साथ ही बताएं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने में क्या परेशानियां और क्या दिक्कतें आ रही हैं। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का ना होकर उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा है और इसलिए आज किसी पार्टी का ध्वज ना लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि अब यदि जल्द ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया गया तो आंदोलन पूरे उत्तराखंड में जारी रहेगा। प्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। ये है कि आज 9 वर्ष पर जो हमारी मांग है वो गैरसैंण राजधानी को लेके और मजबूत हो। आज हम लोग चाहते तो कुछ और कर रहे होते, लेकिन आज हम पहाड़ के दर्द की बात कर रहे हैं। 9 वर्ष पे हमारा 9 वर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो पहाड़ के दर्द को लेके, गैरसैंण को स्थायी राजधानी को लेकर के। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपने इसे स्थायी राजधानी की घोषणा ग्रीष्मकालीन सत्र से पहले नहीं की तो हम लोग ग्रीष्मकालीन सत्र जब शुरू होगा तो पूरे राज्य में जो है बहुत तेज आंदोलन चलेगा और ये अनशन होगा, चक्का जाम होगा और तीव्र उग्र प्रदर्शन होंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उससे पहले ही हमारी बात मान लें, उत्तराखंड के राज्य की के लोगों की जनभावना के अनुरूप राजधानी बनाएं।